और लाइट दोस्तों लेके आ गया हूँ और भी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो। अगर आपका बजट 50,000 के अराउंड है, आपको अच्छे और बेस्ट लैपटॉप परचेस करने की सोच रहे हो, चाहे वो गेमिंग के लिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, चाहे स्टूडेंट के लिए, चाहे ऑफिस के वर्क के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ख़ास भी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले, सब कुछ बताने से पहले आप करो सब्सक्राइब, मूर्ति बन के मत बैठे रहो, कर दो ना सब्सक्राइब। और हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों टोटल मैंने 5 लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं जिसकी प्राइसेस कह सकते हो आपको बिलो 50,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। और अपने हमेशा की तरह एक बेसिक क्राइटेरिया बनाया है, एटलीस्ट सारे लैपटॉप में इंटेल का 10 जनरेशन का कोर i5 का प्रोसेसर तो होना चाहिए। अगर 11 जनरेशन का कोर i3 का है तो भी चलेगा, अगर AMD का है तो भी चलेगा। एटलीस्ट सारे लैपटॉप में 8GB की रैम तो होने चाहिए, जिससे आप काफ़ी अच्छी आप गेमिंग भी कर सकते हो सारे लैपटॉप में। SSD तो कंपलसरी है, अगर HDD है, वर्तमान में SSD हम ऐड कर सकते हैं बाद में, तो भी चलेगा। और एटलीस्ट सारे लैपटॉप में 14 इंच का या 15.6 इंच का फुल HD प्लस IPS की डिस्प्ले तो होना ही चाहिए, 720p का HD का वेब कैमरा तो होना ही चाहिए, विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए, ड्यूल स्पीकर्स तो होना ही चाहिए, और इंटेल का इंटीग्रेटेड का कह सकते हो ग्राफिक्स प्रोसेसर तो होना चाहिए। अगर NVIDIA की तरफ से प्रॉपर डेडिकेटेड ग्राफिक्स हो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5th नंबर को लेके, जो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Book 15। कह सकते हो ये लैपटॉप स्टूडेंट और कह सकते हो ऑफिस के वर्क को देखते हुए टारगेट किया गया है, जिसमें आपको इंटेल का 11 जनरेशन का कोर i3 का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 8GB रैम के साथ आपको 256GB की आपको SSD आपको देखने को मिलती है। मेन और ख़ास बात इसकी रैम एंड रोम को आप बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, साथ में आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस IPS की आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, 720p का आपको HD का वेब कैमरा भी आपको देखने को मिलता है, विंडो 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, बट आपको बहुत ही जल्दी विंडो 11 भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी फ्री अपग्रेड के साथ। साथ में आपको इंटेल इंटीग्रेटेड USD का आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलता हो, कह सकते हो इस लैपटॉप में आपको 10 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप भी आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं 4th नंबर के लैपटॉप को लेके, जो आता है Realme की तरफ से, Realme Book Slim। अगर तो कह सकते हो आपको लैपटॉप बिल्कुल लाइट वेट चाहिए, बिल्कुल स्लिम चाहिए, तो आप इस लैपटॉप को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। कह सकते हो ये लैपटॉप 50,000 के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और स्लिम है, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी हो। कह सकते हो ये लैपटॉप कैजुअल गेमिंग और एडिटिंग वगैरह और कह सकते हो ऑफिस के वर्क को देखते हुए टारगेट किया गया है, जिसमें आपको इंटेल का 11 जनरेशन का कोर i3 का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 8GB रैम के साथ आपको 256GB की आपको SSD आपको देखने को मिलती है, बट कह सकते हो उसकी रैम एंड रोम को बिल्कुल भी आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। मेन और ख़ास बात इस लैपटॉप में आपको 14 इंच का कह सकते हो आपको 2K की आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जिससे कह सकते हो डिस्प्ले में आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। 11 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप भी आपको देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिलता है, इंटेल इंटीग्रेटेड USD का आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों जो हमारा 3rd नंबर का लैपटॉप आता है, अगर इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता तो ये लैपटॉप हमारे 1st नंबर पे जरूर आता, क्योंकि कह सकते हो गेमिंग में प्रॉपर ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो बात करते हैं 3rd नंबर के लैपटॉप को लेके, जो आता है ASUS की तरफ से, ASUS Vivo Book 15 OLED। कह सकते हो ये लैपटॉप थोड़ी दिन पहले लॉन्च हुआ, जिसमें आपको इंटेल का 11 जनरेशन का कोर i3 का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 8GB रैम के साथ 256GB की आपको SSD भी आपको देखने को मिलती है। और कह सकते हो इसकी रैम एंड रोम को आप बिल्कुल भी एक्सपेंड कर सकते हो, साथ में आपको इसकी रैम को मैक्सिमम 16GB तक आप ले जा सकते हो। मेन और ख़ास बात इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का फुल HD प्लस आपको OLED की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जिससे कह सकते हो आपको डिस्प्ले में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है मेरे मानने में से। कह सकते हो इस लैपटॉप की डिस्प्ले 50,000 की रेंज में सबसे ज़्यादा एक बेस्ट डिस्प्ले है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे आपको कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक एडिटिंग के लिए लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो आगमन करके आप इस लैपटॉप को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो, बट कह सकते हो आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर आपको देखने को
मिलता है। बात करते हैं सेकंड नंबर के लैपटॉप को लेके जो आता है एचपी की तरफ से, एचपी पिविलियन गेमिंग। कह सकते हो ये लैपटॉप गेमिंग को देखते हुए और कह सकते हो एडिटिंग को देखते हुए टारगेट किया गया है, जिसमें आपको एएमडी राइजन 5 क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 8GB की आपको रैम आपको देखने को मिलती है, जिसको आप मैक्सिमम 16GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो, 1TB की आपको HDD आपको देखने को मिलती है, बट कह सकते हो यहाँ आपको SSD भी आप लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा है पैसे देके। साथ में आपको 15.6 इंच का Full HD+ IPS की आपको डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों मेन और ख़ास बात इस लैपटॉप में आपको NVIDIA की तरफ से आपको 4GB का आपको डेडिकेटेड आपको ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलता है। तो कह सकते हो ये लैपटॉप मैं आपको गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। दोस्तों फाइनली वक्त होता है फर्स्ट नंबर के लैपटॉप को लेके जो आता है एसर की तरफ से, एसर एक्सपायर 7। कह सकते हो ये लैपटॉप गेमिंग के लिए और एडिटिंग वगैरह को देखते हुए टारगेट किया गया है, जिसमें आपको इंटेल का 10 जनरेशन का कोर i5 का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 8GB की आपको रैम आपको देखने को मिलती है, जिसको आप मैक्सिमम 32GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको 512GB की आपको SSD भी आपको देखने को मिलती है। और कह सकते हो इस लैपटॉप में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट भी आपको देखने को मिलता है, अगर आप HDD ऐड करना चाहते हो वो भी आप इजीली तरीके से कर सकते हो। साथ में आपको 15.6 इंच की Full HD+ की आपको डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों मेन और ख़ास बात इस लैपटॉप में आपको NVIDIA की तरफ से आपको 4GB का आपको डेडिकेटेड आपको ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलता है। तो कह सकते हो ये लैपटॉप मैं आपको गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो मेरे को 50,000 के रेंज में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक ऑफिस या स्टूडेंट के लिए लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो आप Xiaomi के या Realme के लैपटॉप को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। अगर कह सकते हो आपके लिए एडिटिंग मेन है, एडिटिंग वगैरह के लिए आप एक लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो आप Asus के या कह सकते हो Realme के लैपटॉप को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। अगर कह सकते हो आप एक गेमिंग के लिए लैपटॉप परचेस कर रहे हो, गेमिंग और एडिटिंग आपकी मेन है, तो आप Acer Aspire 7 को भी आप चेकआउट कर सकते हो और HP Pavilion गेमिंग को भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर दोस्तों उन लैपटॉप्स के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो तो सारे लैपटॉप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। अगर परचेस नहीं करना, हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ी हो, कुछ हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।